हजार लोगों के जमीन कब्जा करा, किडनैपिंग करा, लोगों को मर्डर्स करा, वैसा आदमी को 8 अगस्त 2016 में उसका एनकाउंटर करे पुलिस, उसके बाद इतना पैसा मिला, इतना गोल्ड मिला, इतने कागज मिले जमीनों के, करोड़ों रुपए का कागज। पहले ही बोला मैं पास, उसके बाद 8 अगस्त को इसका एनकाउंटर होने के बाद मैं 5 सितंबर को राजनाथ सिंह को मैं लेटर दिया। राजनाथ सिंह जी, ये बड़ा सीरियस मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, इसको सीबीआई के साथ इंक्वायरी करना बोला मैं। तो उस वक्त तो कुछ नहीं करे, साल हो गया, मगर 8 नवंबर को डिमोनिटेशन आया। डिमोनिटेशन आने के बाद इसका पैसा कितना था, कितना करोड़ था, इसको चेंज करे नहीं करे, पुराने नोटों को 1000 का नोट 500 का नोट बंद कर दिए थे। जब इसके पास 1500 के नोट है तो क्या करे, बैंक में जमा करे, बैंक में करके नए नोट लिए। आज ईडी इंस्पेक्शन कर रहा, फर्स्ट टाइम ईडी हैज एंटर्ड। मैं बोल रहा हूँ कितना करोड़ पैसे चेंज करे, कितना पैसा, पुराने पैसे जला दिए या नहीं तो तुम बैंक में जमा करे, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, आज गरीब लोग आज भी परेशान है, कल तक नहीं इतने जमीन खींच लिया था सरकार, जब उसको बनने के बाद लोगों का होप बढ़ गया, अब सरकार तो हमारा जमीन देंगे, आज तक उनका जमीन नहीं देते वो, और ऐसी चलते रहता। ये खत्म होते ही मियापुर के जमीन आता, मियापुर जमीन जाते ही ड्रग्स आ जाते, एक अब होते ही दूसरा करते रहता। मियापुर में तुम्हारा जो पेपर वाला दामोदर इन्वॉल्व है वो तो पेपरों में आया, हम तो बोले ना तुम्हारे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है बोलते, वैसी ड्रग्स में कौन है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है बोले, अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन 4 दिन बराबर रोज पेपर में आता, रोज टीवी में आता, बस उसके बाद जहां कोल्ड स्टोरेज में जाता। तो मैं चाहता हूं ईडी से सब चीज, पैसे से लेके जमीन तक सब पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और कौन सा ऑफिसर जिसमें इन्वॉल्व है सबको बराबर का फर्ज बनता सरकार का उनके ऊपर एक्शन लेने का। अभी तक किसी के ऊपर एक्शन नहीं है, पैसे का क्या चीज है नहीं मालूम, सोने की क्या चीज है नहीं मालूम, कब तक ऐसा लोगों को गुमराह करते रहते, एक इश्यू आते दूसरा इश्यू करता है। अब तो एक नया इश्यू हो गया जोन सिस्टम, जोन का ही को भाई तेलंगाना होने के बाद जोनों की क्या जरूरत है बोला, फिर अब तक जोन बोलता। दूसरी बात क्या बोलता, वरंगल में जाके अंडरग्राउंड ड्रेनेज बोला, अंडरग्राउंड ड्रेनेज चले गए, अब आउटर रिंग रोड आ गए। नौकरियों की बोलता, बेटा कहीं की रंगारेड्डी थी तो फार्मेसी में लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगे, अब तक कितने लोगों को नौकरियां दिए रहे भाई, कब तक ऐसा घुमाएंगे, 5 साल में नौकरियां आएंगे, हर घर को एक नौकरी, लोगों के जमीन लेने का काम इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो आवाम भी हुशियार रहना चाहिए, मल्लाना सागर में जमीन लेते हो, इधर कहीं की फार्मेसी में गरीबों का जमीन लेके पूरा नौकरियों की बात कर रहे हो भाई, कल पोल्यूशन आएगा तो कौन जिम्मेदार है, अगर कोई उसका जो दवा बनाने के बाद उसका से लोगों को बीमारी आए तो कौन जिम्मेदार है, इसके ऊपर कोई सोचना नहीं, कुछ भी होने दो। केसीआर हवा बनाने का, लोगों को गुमराह करने में लगे हुए, तो आने वाले इलेक्शन में बराबर जो वादे करा वो वादे अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, वही हम गांव गांव में जाके बोलेंगे। तो घर को एक नौकरी चले गया, फीस रिएम्बर्समेंट चले गया, 3 एकड़ जमीन चले गया, किसानों का कर्जा अब तक माफ करते हुए आए, ये सब चीज बाजू रखा, नए नए गेम खेल रहा, ये नए नए गेम के ऊपर हम गांव में जाके केसीआर के एक्सपोज करेंगे, और उनका ग्राफ उतरते जा रहा, कांग्रेस का ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा, आने वाले इलेक्शन में जो सोनिया गांधी तेलंगाना दी उसको बराबर। मैडम पहली बार तो हमारे से गलती हुआ, अब तेलंगाना लाके उनको हाथ देंगे तो ये भी ईमानदारी से कांग्रेस का वफादार वर्कर रहूंगा, ये काम करने के वास्ते मैं आगे बढ़ूंगा। इससे सबसे ज्यादा इसके ऊपर इंक्वायरी होना, ईडी पूरा सबको बराबर का पैसा किधर गए, सोना किधर गए, जमीन सबको जितना जल्दी जिसका जमीन उसको देना चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ मीडिया के थ्रू।
प्रूव. थैंक यू.